टोयोटा ने हाल ही में अपनी प्रीमियम एसयूवी फॉर्च्यूनर को BS6 इंजन्स के साथ लॉन्च किया था और बहुत जल्द इसके फेसलिफ्ट को भी इंडिया में लॉन्च करेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर से जुड़ी तीन बड़ी न्यूज़ बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट, लिमिटेड एडिशन और प्राइस हाइक के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ काफी टाइम पहले, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट को थाईलैंड में स्पाइड किया गया था, और वैसे ही इस बार भी फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट को थाईलैंड में ही स्पाइड किया गया है, लेकिन इस बार अनडिस्गाइज्ड। स्पाइड फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट की इमेजेस तो आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पर इसको डुअल टोन एक्सटीरियर पेंट स्कीम मिलती है। बाकी चेंजेस की बात करूँ तो एक्सटीरियर में आपको ज्यादातर चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके एलॉय व्हील्स भी नए डिजाइन की हैं और 20 इंचेस के लग रहे हैं। हालांकि इंडिया में टोयोटा हमें सिर्फ 18 इंच के एलॉय व्हील्स ही प्रोवाइड करवाएगी। और सबसे पसंदीदा फीचर सबका, जिसका हर किसी को इंतजार था कि फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट में तो एटलीस्ट मिलेगा पैनारोमिक सनरूफ। जी हाँ, फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर में आपको पैनारोमिक सनरूफ से छोड़ो इलेक्ट्रिक सनरूफ भी नहीं मिलेगी। अब जरा इसके फ्रंट एंड की बात कर लेते हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो फ्रंट एंड अब आपको एक बिल्कुल ही नए डिजाइन का मिलेगा। इस रेंडर्ड इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसा दिखेगा इसका फ्रंट एंड। अब इसमें आपको डार्क ब्लैक कलर की ग्रिल मिलेगी, जो कि अभी के ग्रिल से छोटी भी है। हेडलैम्प्स, बम्पर, फॉग लैम्प्स और स्केट प्लेट सबका डिजाइन चेंज हो गया है। फेसलिफ्ट में भी आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे और इस बार LED DRS का साइज थोड़ा बड़ा होगा। ये तो होगी इसके एक्सटीरियर डिजाइन चेंजेस की बात। अब मैं आपको इसके इंटीरियर में मिलने वाले चेंजेस भी बता देता हूँ। इंटीरियर में आपको एक नई टच स्क्रीन मिलेगी, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और कनेक्टेड कार टेक के फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। बाकी कैबिन में नई डिजाइन की अपोस्ट्री का इस्तेमाल कर सकती है टोयोटा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील और 360 डिग्री कैमरास जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं आपको इस फेसलिफ्ट में। तो अब बढ़ते हैं फॉर्च्यूनर से जुड़ी दूसरी न्यूज पर। ये एक एक्सक्लूसिव और कन्फर्म अपडेट है मेरी तरफ से। मुझे ये पता चला है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर के लिमिटेड एडिशन को जल्द लॉन्च करेगा इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद, जिसमें हमें 360 डिग्री कैमरास और ऑटो फोल्डिंग IRVMs जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। हालांकि इस लिमिटेड एडिशन में भी हमें सनरूफ देखने को नहीं मिलेगी। और तीसरी न्यूज ये है कि टोयोटा इनोवा और फॉर्च्यूनर के प्राइसेस को आने वाले टाइम में हाइक कर सकता है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि आने वाले टाइम में इनोवा और फॉर्च्यूनर और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे, स्पेशली फॉर्च्यूनर। तो ये थी मेरी तरफ से टोयोटा फॉर्च्यूनर से जुड़ी तीन अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।